दोस्तों नाश्ते में हमारी बनी थी छोले पूड़िया और लंच में बन रहे पराठे। बड़े सर, बड़े बड़े बड़ी करो पीड़ी बड़े। और सब्जी बनी है पत्ता गोभी की। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इस समय हम है तपोवन में और रातों रात यहाँ बहुत ज्यादा बर्फ गिर गई है। कल हम आए थे और यहाँ बिल्कुल बर्फ नहीं थी और आज आप देख सकते हैं कितनी बर्फ है। पूरा तपोवन का इलाका बर्फ से कवर हो चुका है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये रहा हमारे सामने माउंट शिवलिंग। और आज की हमारी जर्नी होने वाली है तपोवन से बेबी शिवलिंग एंड बैक टू तपोवन। ये जो पहाड़ दिख रहा है यहाँ तक हमें जाना है। काफ़ी बर्फ गिर गई है, देखते हैं हम कहाँ तक चल पाते हैं। मतलब प्लान है कि हमें सबमिट करना है बेबी शिवलिंग का, पर दोस्तों देखते हैं कि हम कितना चल पाते हैं, क्योंकि मैं कुछ भी पैकिंग नहीं करके आई हूँ और ना ही कोई ढंग के जूते हैं हमारे पास, ना ढंग के कपड़े, ना आइस है, ना कुछ भी नहीं। पर जिनको हम लेकर जा रहे हैं उनके पास सब कुछ है। लेट्स सी। तो दोस्तों हम जा रहे हैं सर के साथ और एक मैम भी है, और हमारे साथ है संदीप जी, मैं और एक पोर्टर भैया। लेट्स सी हम कहाँ तक पहुँचते हैं। महादेव हर हर महादेव, गंगा मैया की जय। चलो ठीक है आज से भाई, लेट्स गो, मिलते हैं सर। सुनो 13 मई 2024 और 8:15 बज गए हैं और हम निकल चुके हैं अपने ट्रैक के लिए माउंट बेबी शिवलिंग, जो कि एक ट्रैकिंग पीक है। लेट्स गो। तो माउंट शिवलिंग के एक्सपीडिशन के दौरान जिन लोगों की डेथ हुई थी इस पत्थर में, उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। और हम भी जा रहे हैं उसी ओर। तो दोस्तों हम तपोवन से काफी ऊपर आ चुके हैं। ये तो हमारे ट्रैकर आ चुके हैं, ये रहे हमारे संदीप जी और मैं भी आ गई हूँ। बहुत खूबसूरत लग रहा है। और वो रहा माउंट शिवलिंग एंड बेबी शिवलिंग, बहुत खूबसूरत लग रहा है। पूरा रॉकी पैच है, हल्की हल्की बर्फ गिरी है कल रात। Good time, good. और ये रही हमारी आकाश गंगा, जम चुकी है। वाओ। और ये सामने रक्तवन वैली, इस तरफ नंदनवन और आगे जाते वासुकी ताल कालंदी खाल के लिए। ये भागीरथी पीक। तो ये आ रहे हैं संदीप जी, पीछे दो ट्रैकर और हमारे पोर्टर बहुत पीछे हैं। ये मेरे फुटप्रिंट गिरते पड़ते। हम आज माउंट बेबी शिवलिंग कर रहे हैं समय, जो आपके सामने
हमें इस डायरेक्शन में जाना है, फिर वहाँ से हमें स्टीप लेना है और माउंट सिबलिंग बेबी सिबलिंग को करना है सबमिट। पीछे से हम जाएंगे जी, और बाकी हमारे दो मेंबर है पीछे। और लंच ब्रेक क्या क्या लाए हैं? पूरी और पत्ता गोभी। यार किसने क्या, ये बहुत कम है ये तो। ये तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का प्लान है। ये जो आपको दो रॉकी फेस दिख रहे हैं, इसके बीच में से जो गली जा रही है, इसके अंदर से हमें निकलना है। लेट्स गो। पैर काफ़ी धस रहे हैं अब यहाँ पर। दोस्त नहीं जा रहे क्या? जा रहे हो? ओके चलो। तो दोस्तों वो लोग यहीं से बैक हो रहे हैं, उनके साथ जो एक लड़की थी वो नहीं चल पा रही है, जिस वजह से वो यहीं से बैक हो रहे हैं। चलो आप, मैं आता हूँ, चलो। तो जिनको हम ऊपर लाए थे दो ट्रैकर, वो भी नीचे चले गए हैं। पोर्टर सर भी नीचे चले गए हैं। अब मैं और संदीप हैं, हम दोनों जा रहे हैं बेबी शिवलिंग, बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू मिस द समिट। मैं और संदीप अपने नॉर्मल ट्रैकिंग शूज़ में आए थे, और ये मेरे पैर ऐसी हालत हो चुकी है, पैरों के अंदर बिल्कुल पैर जम चुके हैं, और लेस भी नहीं खुल रही, वो भी जम चुकी है। बाकी दो ट्रैकर तो पूरे गेटअप के साथ आए थे, अपने कोफ्लाज के साथ, हम ही ऐसे आए थे बस। और ज़्यादा दूर नहीं बचा है, और मुझे ऐसा लगता है कि हम कर लेंगे। हाँ दोस्तों, हम दोनों के जूते बहुत ज्यादा बेकार हैं, और बिना किसी इक्विपमेंट के, कोफ्लाज के, गेटर के भी यहाँ तक जाना भी बहुत मुश्किल था हमारे लिए, पर हम यहाँ तक आए। यहाँ बोल्डर्स देख सकते हैं, बेबी शिवलिंग नहीं दिखाई दे रहा इसके पीछे है, और कोई रोप नहीं है हमारे पास। ये मेन माउंट शिवलिंग है, और काफ़ी ऊपर हम आ चुके हैं, और मेरी आवाज़ से आप पहचान सकते हैं कि मुझे कितना ज़्यादा बुरा लग रहा है। इतना पूरा हमें डिसेंड करना है, अभी बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, घुटने घुटने तक बर्फ़।
काट के हम आए हैं, बहुत ही ज्यादा पैर बिल्कुल सुन्न हो चुके हैं, बट आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। अगर हम प्रॉपर गियर के साथ आते तो पक्का हम कर सकते थे। अभी 1 बज रहा है, 7:45 बजे हम निकले थे। ठीक है, अब हम नीचे चलते हैं। नीचे उतर रहे, अब हम धीरे धीरे हिल वॉक करते हुए। वो पूरा तपोवन है और नीचे येलो कलर के टेंट दिख रहे होंगे, उधर तक हमें जाना है। रॉकी फेज है, लेट्स सी। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो, पूरा अंदर तक क्रेवास है, बहुत बड़ा गड्ढा है। यहाँ बार बार बचे हैं हम इस गड्ढे से। ये वाली पूरी जमीन अनसेफ है, इधर से चलना हो। काफी ऊपर से हम नीचे आ गए, अब पैरों को थोड़ी राहत मिल रही है। और अब हमारा प्लान है कि हम ऐसे ही नंगे पांव जाएंगे पूरा अपनी कैंप साइट तक। पूरा हम डिसेंड आ चुके हैं नंगे पांव, और नंगे पांव चलने का भी अलग ही मज़ा है। खैर, हमारा माउंट बेबी शिवलिंग तो समिट नहीं हो पाया, बट कोई बात नहीं, हमारे पास अच्छे जूते नहीं थे, हम भी बेवकूफ़ों की तरह ही चल रहे थे विदाउट एनी इक्विपमेंट्स, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। यहाँ तक आए वो भी बहुत है, दिल से बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, बट क्या कर सकते हैं अब। तो आप देख सकते हैं हम उस ओर जा रहे थे, काफ़ी ऊंचा हम लोग चढ़े हैं, करीबन उस पॉइंट तक हम चढ़े हैं और इस तरफ को बढ़ रहे थे। ऊपर से तो हमें पता नहीं लग रहा था कि आगे क्या है, बट अभी हम देख सकते हैं कि उस पार पूरी खाई है। तो मतलब हम गलत ही चढ़ रहे थे, हमको बेबी शिवलिंग को इसको ऐसे पीछे से समिट करना चाहिए था, बट हम कितना ज़्यादा चढ़े हैं आप देख सकते, कितनी भयंकर स्लोप दिखाई दे रहा है। यहाँ नीचे से देख के पता चल रहा है कि हम काफ़ी ज़्यादा चढ़े हैं, और वो हल्की सी जो आपको पीक पीछे दिख रही है माउंट मेरू, वाह। और ये भागीरथी मैसिव, और इधर चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है, जिस भी टाइप की मैं बनाती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही और वीडियोस लाती रहूँगी ट्रैकिंग एंड माउंटेनियरिंग से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखो हाई एल्टीट्यूड में पैकेट फूड के साथ ऐसा होता है, इतनी गैस बन गई इसके अंदर।